का स्पीकर जिसका मॉडल नंबर है XB01 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। तो दोस्तों इससे पहले कि हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन दोस्तों ने मेरे सब्सक्राइब कर लिया है चैनल उसका उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं इसको अनरैप, हम फिर देखते हैं क्या है इसकी स्पेक्स और कैसी है इसकी साउंड और कैसी है इसकी क्वालिटी। तो आइए दोस्तों इसको अनरैप कर लेते हैं हम। तो अच्छा है, ऐसा है कुछ इसका स्पीकर, ऐसी है कुछ इसकी पैकिंग, इसके रिटेल पैक पे ऐसा है कुछ इसका डिज़ाइन, ऐसा बनाया है इन्होंने। तो सबसे पहले सोनी की बेजिंग, उसके बाद वायरलेस स्पीकर SRS XB01 मॉडल नंबर है इसका, और एक्स्ट्रा बेस का फीचर है इसमें, IPX5 स्प्लैश प्रूफ है, वाटर प्रूफ नहीं है ये, 6 आवर की बैटरी बैकअप क्लेम करता है सोनी। ब्लूटूथ 2990 का है ये, 2990 रुपये, 2990 रुपीज़ का मुझे पड़ा है, 1899 रुपीज़ के लगभग, मतलब सेल टाइम पे ये आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे 1600-1500 के लगभग बाय कर सकते हैं इसको आप। और आइए जल्द से निकाल लेते हैं इसको बाहर। तो कहाँ से होगा ये ओपन, ये देख लेते हैं, ये ओपन हो गया। इसके बाद इसको हमने यहाँ से ये निकाल दिया। इसके बाद ये है कुछ इसकी डॉक्यूमेंटेशन, तो हम इसको पढ़ते हैं नहीं, हर वीडियो में हम ऐसा ही कहते हैं और ऐसा ही करते हैं, तो इसको रख देते हैं हम साइड में। इतना भी आसान नहीं है, रॉकेट साइंस कौन सी इसमें लगी हुई है जो हमें ये चलाना नहीं आएगा, तो इसको भी रख दिया हमने साइड में। इसके बाद है इसका ये हैंगिंग ग्रिप जो है, ये जो इसको बोलते हो। उसके बाद है USB 2 USB माइक्रो USB चार्जिंग केबल, इसको भी रख देते हैं हम साइड में। इसके बाद ये कुछ ऐसा है, उसके बाद सीधा डायरेक्ट निकलता है हमारा स्पीकर। ये हमने रेड कलर में ऑर्डर किया था, तो साइज़ में तो बहुत कम छोटा मुट्ठी में आ जाता है। तो साउंड देखते हैं कैसी है, सोनी की साउंड अच्छी रहती है हर बारी, तो इनको रख देते हैं साइड में। तो बात करते हैं स्पीकर की, तो ये है इसका वॉल्यूम कंट्रोल, ऊपर है पोज एंड प्ले बटन, उसके साथ ही है कॉल रिसीव एंड एंड बटन, ये है पावर ऑन 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 ऑफ स्विच, इस पीछे है बेस रिफ्लेक्टर अगर आप देख पा रहे हो तो, ये है इसका स्टैंड, ये बनाया है इन्होंने, कुछ रबड़ी टेक्सचर भी है इसका, प्लास्टिक नहीं है, रबड़ी से तो ग्रिप अच्छा रहेगा इसका नीचे। तो पावर ऑन हमने कर दी है इसकी, जब हम प्रेस कर रहे थे इसको तो इसकी पावर ऑन ऑटोमेटिक हो गई है। तो यहाँ पे ये जो है ये हुक लग जाता है इसका, जो ये है ये हुक यहाँ पे लग जाएगा, इसको हैंग करने में अच्छा है। ये साइड में इसकी सोनी की अब ब्रांडिंग दी हुई है, यहाँ कुछ इसके जो है ये चार्जिंग के लिए है, ऑक्स कनेक्टिविटी भी है इसमें, तो माइक्रो USB चार्जर जो यहाँ लग जाएगा, ऑक्स कनेक्टिविटी यहाँ। तो आइए जल्दी से इसका साउंड डेमो देख लेते हैं कैसा है इसका साउंड। पावर ऑन करके इसके इस पावर ऑन ऑफ के बटन को 2-3 सेकंड के लिए आप प्रेस करके रखेंगे तो ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा। तो हमने इसको पेयरिंग मोड में डाल दिया है, यहाँ से इसने मोबाइल ने हमारे सर्च कर लिया है इसको, तो इसको कर लिया हमने सेलेक्ट। और दोस्तों तो ये हो गया है पेयर, तो इसको रख देते हैं हम यहाँ पे साइड में और प्ले करते हैं। दोस्तों 3 आवर जो है इसको चार्ज होने में लगते हैं, साउंड अच्छी है, ठीक लग रही है साउंड, मतलब उतना बेसी नहीं है ये।
ठीक है, क्लियर है साउंड, बिल्कुल क्लियर, वोकल साउंड क्लियर है, मिड हाई स्मूथ है, क्लियर है, बेस भी अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है। तो आइए आगे। हाई क्लियर है, बेस भी अच्छा इफेक्ट करता है, छोटे रूम में हो तो अच्छी साउंड आएगी आपके पास, अच्छा म्यूजिक सुन पाएंगे। अगर आप खुले इन्वायरमेंट में हैं, बाहर हैं, आउटडोर हैं, तो उतना काम नहीं करेगा, स्पीकर साइज़ में बहुत छोटा है, तो उतनी जो है वो साउंड नहीं दे पाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे। तो रूम के लिए, इनडोर के लिए बहुत अच्छा स्पीकर है। अगर आप देखना चाहते हैं इन तीनों का साउंड कंपैरिजन, JBL, सोनी एंड बोट का सेम प्राइस रेंज में है ये तीनों। JBL गो है ये सोनी का XB01 है, ये बोट का जो है ग्रेनेड स्टोन ग्रेनेड स्पीकर है, ये सेम प्राइस रेंज में है। 100-200 रुपये का मिनिमम या मैक्सिमम फ़र्क होएगा इनमें। तो अगर आप इनका साउंड कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जिन मेरे दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।